गुड मॉर्निंग क्लास एट स्टूडेंट, दिस इज योर मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास फॉर न्यू टॉपिक सम कॉमन एरर इन अलजेब्रा। कुछ ऐसे कॉमन मतलब कुछ ऐसे मिस्टेक्स होती हैं जो आप कॉमनली अलजेब्रा में आप कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से वो हो जाती है। वही एरर को एक एक बार में आपको एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगी किस तरीके की मिस्टेक आप करते हैं और क्यों नहीं करनी चाहिए। या तो आप मिस्टेक करिए ही मत, हम प्रोसेस ही आपको सही बता दें कि आपको आपसे वो गलती हो ही नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आप वो कहीं देखेंगे तो उसमें कई सारे रॉन्ग सम वो एग्जांपल दे, कई सारे रॉन्ग दिए गए हैं और उसका राइट सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कैसे। एक क्वेश्चन लिया है 5x-4, ठीक है। तो आपको जो रॉन्ग टर्म आया है वो आया है कि आंसर दिया है कि 5x-4, इसको कहा है कि रॉन्ग है। अब कैसे रॉन्ग है ये आप चेक कर लीजिए। अब हम आपको, क्योंकि हमने आपको टॉपिक पढ़ाया है तो इसलिए आपको पता होगा कि किस मेथड से सॉल्व होता है। हमने एक आपको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड बताया था कि a इंटू बी प्लस सी या बी माइनस सी। तो आप क्या करते थे, एक बार a का b के साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर साइन पुट करते थे जो पॉजिटिव या निगेटिव हो वो साइन, फिर आप a का c के साथ मल्टीप्लाई करते थे। बट ये जो सोल्यूशन दिया है इसने सिर्फ a का मल्टीप्लाई b में किया है, c में नहीं किया है, इसलिए ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट सोल्यूशन क्या होगा, आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये इस प्रोसेस से सॉल्व होगा। इसको क्या लिखते थे, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, इस फॉर्मूले से रखते थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करिए तो आप सेम सॉल्व कीजिए, 5x-5x-4, आपके यहाँ आंसर क्या कुछ बनेगा, 5x-20। ये आपका क्या है, करेक्ट आपका आंसर। तो बहुत से स्टूडेंट इस तरीके की मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ फर्स्ट टर्म में तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेकंड टर्म को नहीं मल्टीप्लाई करते। लेकिन याद रखिए कि आपको जो अगर इस तरीके के फॉर्म में अगर क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, तो आपको ब्रैकेट के बाहर की चीज़ की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर के हर टर्म्स पे करनी होती है। ये रूल होता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यू होगी या जितने भी टर्म्स होंगे उन सब के साथ वो मल्टीप्लाई होगी 1/1। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्यों रॉन्ग था, ये आंसर करेक्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट इस तरीके का आपको एक दो और भी दिया है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल दिखाते हैं। एक्सपोनेंट में पावर क्या होते हैं, सिमिलरली सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आपने ये पढ़ा था एक्सपोनेंट लॉ, ए बी के पावर 2 इज इक्वल टू या ए बी के पावर एक्स, तो आप ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर एक्स आपने पढ़ा है, ये आपका एक्सपोनेंट लॉ में आता है। तो इसी हमें ये जितने भी आप अगर इसका सोल्यूशन, जितने भी अभी तक के आप लॉस पढ़े हैं, चाहे वो एक्सपोनेंट से रिलेटेड हो या इंटीजर से रिलेटेड हो या एडिशन सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड हो, वो अगर आप सारे लॉ को आप फॉलो करते हैं तभी आप अलजेब्रिक इक्वेशन को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक भी लॉ मिस कर देंगे तो आप इसी तरीके का रॉन्ग आंसर करते आएंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 3x² तो ये क्या हो जाएगा, 3×3=9 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 9x², दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दिया है, 1/1 मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि क्यों। अब मैं रॉन्ग नहीं लिखूंगी, सीधे करेक्ट ऑप्शन लूंगी क्योंकि रॉन्ग आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो करेक्ट कैसे आएगा ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अब आप ये समझ गए, नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए। बस आपको सारी प्रॉपर्टी को यूज करनी है, जितने भी लॉ आप पढ़े उस लॉ के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आप कभी भी अलजेब्रा में किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं करेंगे। ये जो रॉन्ग दे रहा है वो इसलिए दे रहा है कि ऐसे नॉर्मल कॉमन
मिस्टेक आप लोग हमेशा हर कोई कर देता है, जैसे 2x-5 × x + 2। और इसका जो रॉन्ग सॉल्यूशन दिया है वो दिया है 2x² - 10। ये क्या है, ये रॉन्ग सॉल्यूशन है, ये रॉन्ग है। अब कैसे रॉन्ग है इसको देखिए कैसे पता चलता है। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ाई मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स। आप क्या करते हैं कि इसको ए बी सी डी मान लेते हैं, ठीक है। अगर ए मानते हैं, ए लेते हैं, तो सी पूरे इस पोर्शन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बी मान के फिर इस पूरे पोर्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का दो बार आप यूज करते हैं, तो सेम 2x लेते हैं और होल को मल्टीप्लाई करते हैं x + 2 को, फिर -5 लेंगे और ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, पूरे होल नंबर। अब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फिर आ गई आपकी। आप सॉल्व कर लीजिए, ये कैसे होगा, 2x × x फिर +2x × 2 फिर -5 × x - 5 × 2। सॉल्व कर लीजिए, नहीं इसको बैठे के बाद नहीं रखेंगे, साइन हम इसको दे चुके हैं और वहां पर भी इसके बाहर प्लस रखते हैं। ये यहाँ पर प्लस क्यों किया, आप इसको इस तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। हम साइन को निगेटिव को बाहर ही रखते हैं, 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 × x + 5 × 2। सॉल्व किया, 2x² + 2×2=4x मल्टीप्लाई आ गई है, माइनस ब्रैकेट के अंदर 5x + 10, 2x² + 4x - 5x - 10। और कोई भी टर्म्स नहीं वो है, सिर्फ एक ये जो टर्म्स है ये सेम वेरिएबल वाला है, तो डिफरेंट साइन सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 2x² - x - 10 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, बट यहाँ पर आपका जो आंसर दे रहा था वो क्या आंसर आपको दे रहा था, ये दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। नॉर्मली लोग इस तरीके की मिस्टेक कर देते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या है, जब आप मेथड से करेंगे, जब आप एक वन बाय वन प्रोसेस से करेंगे तो इस तरीके की मिस्टेक नहीं आएगी। तो कई सारे आपको यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिएगा। डी दिया है u+9² यानी कि a+b² का फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला क्या होता है, a+b² = a² + b² + 2ab। उसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। नीचे e वाला भी यही है, a-b² है, तो वहाँ पर होता है a² - a² + b² - 2ab। उसमें पुट रख करके वैल्यू करेंगे तो वो सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रॉन्ग और राइट दोनों बताया है कि राइट वाला मेथड कैसे होता है। तो अब आप एक्सरसाइज 6.4 किस तरीके से करेंगे कि हम आपको बता दें। क्वेश्चंस क्या दिए, पहला तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए 4 (x - 5) और इसका जो ये इक्वल दे दिया है 4x - 5, ओके। आपका एरर दिया है ऑलरेडी, ये पहले से कह रहा है कि आपको क्या दिया है, एरर दिया हुआ है, उसका करेक्ट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो करेक्ट फाइंड कैसे होगा, तो आपको पता है जब इस तरीके का इक्वेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड
तो करेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ सॉल्व क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करेंगे, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वहाँ आप राइट हैंड साइड के नॉट इक्वल दिखा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इसका करेक्ट आंसर क्या है जो आपको फाइंड करना था। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना। उसको क्या करते हैं, ए बी माइनस सी वाला फॉर्मूला है, तो ए इंटू बी यानी फोर माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर इंटू फाइव, फोर एक्स माइनस ट्वेंटी, ठीक है। अब क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आप यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड 4x माइनस 20 इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं वन बाई वन करके। आपको सॉल्व करने का तरीका ऑलरेडी पता है, बस आपको करेक्ट आंसर निकालना है, और इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, फिर जो प्रॉब्लम होगी वो हम आपको क्लास टाइम में डिस्कस कर लेंगे आपसे। तो इस एग्जांपल इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब ये आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस होगी कि आपने कितना पढ़ा है, कितने आप कितना करेक्शन कर सकते हैं, मतलब कितने एरर को आप सही कर सकते हैं। ये आपके सिर्फ एक नॉलेज टेस्ट है कि आप अलजेब्रा में कितनी आपने हर स्टेप को या हर लॉ को फॉलो किया है कि नहीं। तो उससे हम इसी बेस से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। क्लास टाइम जब हम आपको क्लासेस में वर्क देंगे करने के लिए, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन तो बाद में भेजते ही हैं। तो पहले आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, और अगर ये किसी भी तरीके का इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ आपको नहीं समझ में आया, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू।